इसराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर जंग का ऐसा बिगुल बजाया है जिससे मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की आहट सुनी जा सकती है। इसकी चपेट में कई बड़े देश भी आ सकते हैं। ताजा हमलों से इसराइल ईरान के बीच की तनातनी अपने चरम पर पहुंच गई है। इसराइल ने दावा किया कि उसके 100 लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घुसे और फिर ताबड़तोड़ बमबारी की। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। इसराइल ने राजधानी तेहरान समेत 4 ईरानी शहरों में भीषण हमलों को अंजाम दिया गया। इस दौरान इसराइल ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने में भी कामयाबी मिली। दावा है कि इसराइल ने ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों को होने वाली हथियारों की सप्लाई चैन भी तोड़ डाली। इससे तिलमिलाए ईरान ने इसराइली हमलों को नाकाम बताया है, साथ ही इसराइली दावों को झूठा करार दिया है। इस हमले के बाद ईरान ने भी तेवर तीखे कर लिए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइली हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अली खामेनेई ने कहा कि ईरान को लेकर इसराइल अभी भी गलत अनुमान लगा रहा है। इसराइल ईरान को नहीं जानता है। इसराइल अभी भी ईरानी लोगों की ताकत और उनके मजबूत दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाया है। हमें अब उन्हें ये बातें समझानी होंगी। इस बीच इसराइली पीएम ने दावा किया कि आईडीएफ के हमले अपने टारगेट को हासिल करने में सफल रहे हैं। इसराइल के पलटवार ने ईरान की जड़ें हिला दी है। ईरान के कई मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स जलकर राख हो चुके हैं। ईरान अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। दुनिया के सामने अपनी असलियत को कबूल नहीं रहा है। इजरायली हमलों ने दिए जख्मों को दबा के बैठा है। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायली हमले इतने जबरदस्त और ताबड़तोड़ थे कि ईरान का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद हो गया। इससे ईरान बेहद कमजोर हो गया है। वह अब तक अपने नुकसान का आकलन तक नहीं कर पाया है। अब ईरान न तो हमला कर सकने की हालत में बचा है, न ही हमलों से बच सकता है। बावजूद इसके इसराइल को ईरान से सतर्क रहने की जरूरत है। नेतन्याहू ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इसराइल ने एक साथ 7 दुश्मनों से जंग लड़ी है, अब भी लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हमें दक्षिण में हमास, उत्तर में हिजबुल्ला समेत इन आतंकी समूहों के आकाओं को भी खत्म कर दिया है। अब ये ईरान की कठपुतली बनने लायक भी नहीं बचे हैं। इसराइल पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि उसके दुश्मन चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, उसके पंजों से बच नहीं सकते। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम जा नहीं सकते। बहरहाल दोनों ही देश अपने अपने दावों को सही ठहराने में लगे हैं, मगर इतना साफ है कि मिडिल ईस्ट में जारी तूफान के फिलहाल थमने के आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं।